ये मुख्यमंत्री बंगाल की ये चालाकी कर रही है, क्योंकि जब उनकी पर्दाफाश हो चुके हैं, जब सारे हिंदुस्तान में निंदा किया जाते हैं इस तरीके की मध्यकालीन, ये मध्यकालीन बर्बरता के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में जब निंदा जताए जा रहे हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल पार्टी के अंदर खलबली मच चुकी है। अभी क्या कर रही है, ये सारे चीज को सामने रखते हुए ये आम लोगों की गुमराह करने के लिए दूसरा तरीका अपनाया है। इतने दिन बाद बंगाल के मुख्यमंत्री को ये अभी महसूस हुई कि एक बार चलो पिकनिक स्पॉट घूम के आए। टीएमसी के अनारुल, हाँ। एक मिनट, आप कभी ये देखे हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री आ रही है एक गांव में जहां 10 महिला बच्चे समेत जिंदा जलाई गई, ये अगजनी के चलते। हम तो देख रहे हैं कि 10, लेकिन असलियत में बहुत सारे लाशों को गायब किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, अस्पताल में जिन चश्मदीद गवाहों को इलाज चल रहे हैं, हुआ भी सही ढंग से इन लोग को इलाज नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि कोई गवाह ना बचे। तो बंगाल के मुख्यमंत्री जब आ रही है, उनके लिए सजावट देखिए, गांव की प्रवेश पथ में सजावट देखिए, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े फ्लेक्स लगाए गए हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री पधार रहे हैं। लगता है कि बंगाल के मुख्यमंत्री आज ये बक्तुई गांव नहीं, ये पिकनिक स्पॉट जहां घूमने आई थी। और सारे बीरभूम आने की सारे रास्ते यहाँ के पुलिस वालों ने घेराबंदी में रख दिया, किसी को आवागमन करने नहीं दिया जाते। मैं 2 घंटे करीब रास्ते पे बैठ के आंदोलन किए, उसके बाद मुझे इजाजत मिली ये गांव आने की। बंगाल के मुख्यमंत्री आज गांव पे आके लाश में सिर्फ आतर उड़ाने की कोशिश की, ये लोगों को गुमराह करने के लिए किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, तरह तरह की यहाँ लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की। टीएमसी के अनारुल ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है उनको गिरफ्तार करने का आदेश भी, अरे वो तो एक छोटा सा मोल है, ये तृणमूल पार्टी की अंदर की आज ये हालत हुई है कि पिछले एक हफ्ता में बंगाल में 26 वहां और बता दे 26 खून हो चुके हैं, और वो भी सारे पॉलिटिकल मर्डर, आनिस खान से लेकर एक के बाद एक। अब देखिए पानीहाटी में उनके पार्टी के नुमाइंदे, झालदा में हमारे पार्टी के नुमाइंदे, और चलते चलते बर्धमान में तुहिना खातून, और अभी आ गया बीरभूम में। ये तो 10 हम बाहर बाहर देख रहे हैं कि हमारे महिलाओं को जला के राख कर दिया गया। ये मध्यकालीन बर्बरता हम सबको बड़े बड़े दर्दनाक महसूस करने में मजबूर कर रहे हैं।